हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के थॉट्स जानेंगे, साथ में उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग चेक करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है पर्सन के मन में आपको लेकर, क्या है उनकी थॉट्स आपको लेकर और क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। एक सेकेंड। सो या कहाँ थे हम? आई हैड अ कॉल टू अटेंड। सो बेसिकली क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ और क्या है उनके मन में? मुझे लगता है कि आपके पर्सन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन चीज़ों को स्लो लेकर चलना चाहते हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन बहुत स्लो एक्शन लेना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर। नॉट दैट कि वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट दैट कि उनके उनके मन में आपको लेकर एक फ्यूचर को लेकर प्लान नहीं है। जस्ट दैट कि वो रशन नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आप जो हो, ऑन द अदर हैंड, आप हर चीज़ में आपको है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, स्पीड अप कर लो। हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम के साथ इस इंसान के साथ हो, जिसकी वजह से टाइम से इस इंसान के साथ हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो नीड टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन को लेकर। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको हर चीज़ में जल्दी पड़ी हुई। आप चाहते हो कि बस सब चीज़ें जल्दी फिक्स हो जाएँ, सारा यू नो शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, फैमिली बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और आपके पर्सन बहुत ही टेक्निकली या प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से एक प्रेशराइज्ड वे में चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में हमेशा क्लैश रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद आपको ये लगता है कि अगर वो टाइम मांग रहे हैं और अगर वो चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा रहे हैं, तो आपके मन में एक खौफ आता है कि एक डर आता है कि शायद पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, और या फिर आपके मन में एक ख्याल आता है कि पर्सन शायद अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है, इसलिए वो चीज़ों को सीरियसली नहीं परसू कर रहा। लेकिन ऐसा वो नहीं सोचते हैं। दैट्स व्हाट दे फील, कि आप ऐसा सोचते हो उनको लेकर, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। आपके पर्सन मुझे लगता है कि अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दे वुड नीड सम मोर टाइम। आपके आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है, वो उसको स्लोली लेकर चलना चाहते हैं। उनको कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उन्होंने कहीं भागना नहीं है। उनका देखने का नज़रिया इस रिलेशनशिप को ऐसा है, लेकिन अगर आपके नज़र से देखें तो उनको लगता है कि आपको बस ये है कि शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, रिलेशनशिप आगे चला जाए, फैमिली से बात हो जाए। सो दे ऑलवेज थिंक कि आप इवन दो वो आपके साथ हैप्पी हैं, बट उनको लगता है कि आप हर चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी मचाई होती है आपने। बस देखिए और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। आपके पर्सन को आई डोंट नो क्यों लगता है कि आपको विंग्स चाहिए उड़ने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्पीड अप करने के लिए। आपको हर चीज़ चाहिए कि बस उड़ के हो जाए, मैजिकली हो जाए। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप दैट थिंग, बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको बस दिल करता है कि आप जैसे मैजिकल कारपेट होते हैं, जैसे मूवीज में होते हैं, जैसे अलादीन की मूवी में था आई थिंक। आपका आपके पर्सन को लगता है कि दैट्स व्हाट यू वांट। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही ज़्यादा फैंटासाइज्ड वर्ल्ड में रहते हो आप। आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही इमेच्योर हैं, या बहुत ही रोमांटिसाइज कर देते हो चीज़ों को। आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में ये डिफरेंस डेफिनेटली है। लेट्स सी मोर कि और क्या सोचता है आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चलता है उसके मन में आपको लेकर। आपके पर्सन चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो मूवमेंट के साथ करना चाहते हैं। आप कोई तरह स्पीड अप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता कि जब आप उनको डाउट करते हो, या आपके मन में एक फियर आता है कि शायद पर्सन जो है जानबूझकर चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहे। वो ये चीज़ दे डोंट लाइक इट। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सक्सीड करते देखना चाहते हैं। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं पर्सन के, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे।
यू आर सो वेरी स्पेशल, नंबर 21। आप में से कुछ लोग 21 साल के हो सकते हैं, 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है कि 21 इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए। बट यस, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपके पर्सन। को लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ईगो पे ले जाते हो, पर्सनल ले जाते हो, और चीज़ों को वर्क करने के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होती है, शायद आप वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बनते हो। आई कुड बी योर हीरो बेबी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि बेसिकली आप उनके ऊपर रिलाई करो, आप हर चीज़ को सर पे सवार मत कर लिया करो, रिलैक्स हो, क्योंकि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी योर हीरो, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लीड थिंग्स फॉरवर्ड। आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि 6 इज द नंबर ऑफ ग्रोथ। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर ग्रोथ चाहता है, बट आपके जो सपोर्ट है वो कभी कभी उनको नहीं मिल पाती है जिस तरह से वो चाहते हैं। सो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगाता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ स्ट्रांगली स्टैंड करो और ईगो मत लेके आओ बीच में, पर्सनल हर चीज़ को मत लो, और चीज़ों को उनके साथ मिलकर समझने की कोशिश करो, उनके एंड से, उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। थोड़ा अपने आप को जो फैंटेसाइज वर्ल्ड है उसमें से निकाल के रियलिटी की तरफ आकर देखो, और फिर शायद आप उनकी सिचुएशन को समझ सकोगे। लेट्स सी मोर मैसेजेस। थिंक बिफोर यू एक्ट। अगेन, आपका पर्सन चाहता है कि आप सोचो तो सही कि आप क्या चाह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। लेट्स सी क्यों है ऐसा। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को शायद एक सर्टन वे में ले जाते हो, जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि ऐसा क्यों सोच रहा है आपका पर्सन। आई नीड टाइम फॉर मी। आपके पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए उनके लिए, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू आस्क कि क्यों सोचता है पर्सन ऐसा आपके लिए कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, या आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले। क्या आपके आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन शायद आपको कहता होगा गुस्से में आकर, आर यू मैड और आर यू क्रेजी, लाइक आपका दिमाग काम नहीं करता और समथिंग लाइक दैट, गुस्से में आकर, जस्ट बिकॉज आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हो या बोल देते हो जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं उनके एंड से अगर हम देखें तो। नॉट दैट कि होती हैं, बट वो थोड़े ज़्यादा एक सर्टन टाइप के पर्सन है। लेट्स टेक वन कार्ड। क्यों ऐसा बोलता है आपका पर्सन आपको, क्यों उसको टाइम चाहिए, और क्यों वो आपको कहता है कि सोच कर बोला करो। लेट्स सी वन मैसेज फ्रॉम देम। देयर इज समवन एल्स। ओह, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि देयर इज समवन एल्स जिसकी वजह से वो आपको ऐसे कहते हैं। अब ये जो समवन एल्स है, डजंट हैव टू बी अनदर पर्सन। एक अदर पर्सन हो भी सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। अदर पर्सन ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि उसके बड़े भाई या बड़ी बहन जो है अनमैरिड हो, और देर इज अनदर पर्सन जिसकी वजह से वो फिलहाल आपको कुछ नहीं दे सकते हैं जो आप चाहते हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि देर इज अनदर पर्सन जो कि शायद उसका फैमिली मेम्बर हो या उसका काम का एक सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से वो फिलहाल आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। हु इज दैट समवन, हु इज दैट समवन। लव इज द आंसर। ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। समवन जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको प्यार करते हैं तो इज इट लाइक समवन दैट यू नीड टू बी फेयरफुल ऑफ के वो आपको आपके पर्सन को खोना दे, या फिर लेट्स सी के क्या बताना चाहता है आपका पर्सन उसके बारे में, जिसको भी आप ज्यादा प्यार करते हो, आपके पर्सन जो भी हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कैसे करने दे रहा है उस चीज़ को लेकर। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फैमिली विद यू, आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आर फ्यूचर। सो मुझे लगता है कि फैमिली मेम्बर हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्लो है, बट आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि वो आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, राइट? आपके बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो आपको उस तरह से वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल वो आपकी तरफ वो एक्शन नहीं लेना चाह सकते, लेना चाहते हुए भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो पर्सन जो है वो रास्ते में फिलहाल आ रहा है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हो सकता है कि जैसे बड़े बहन भाई की शादी नहीं हुई है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जैसे फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन नहीं मान रहा, विच इज़ द रीज़न वाई थोड़ा जो है इशू आ रहा है।
आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचते हुए सोते हैं, तो मेक श्योर करो कि आप अपने आप को रिलैक्स करो कि ये पर्सन जो आपके बारे में इतना सोच रहा है, फैमिली को मनाने का सोच रहा है, या आपके बारे में सोच रहा है और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए सोता है, दैट मीन्स कि उसको आप चाहिए हो. यस, उसकी लाइफ में हो सकता है, यू नो, आप तो उसकी ज़िंदगी में बाद में आए, उसकी फैमिली उसकी पहली, यू नो, एक एक प्रायोरिटी हो सकती है. तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ कि आप वो बन जाओ कि ये आप हो और वो आपकी, यू नो, आपके पर्सन की फैमिली है. आपको एक को चूज करना पड़ेगा. डोंट डू दैट. आपको चाहिए कि सब मिलजुल कर, यू नो, बैठ कर सुकून से चीज़ों को, यू नो, रिजॉल्व किया जाए. सो इट सीम्स लाइक कि अगर आप थोड़ा एक्चुअली में अगर आप थोड़ा माइंडफुल होकर चलो या अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को वॉच करके चलो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली आगे जा सकता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन की जिंदगी में, यू नो, दे वॉन्ट टू बी योर हीरो, दे वॉन्ट टू बी विद यू. आप हर चीज़ को ईगो पर ले जाते हो, पर्सनल ले जाते हो. आप इसकी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहे हो उस पर्सन की. अगर आप इसकी स्ट्रेंथ बनोगे तो ये जो प्यार ये दूसरों को दे रहा है, ये प्यार आपको भी मिल सकता है. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, जो इसका एंगल है रिलेशनशिप का, सीचुएशन का. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. आई जस्ट लव डूइंग दिस रीड, क्योंकि मुझे, यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं सुकून से, यू नो, इवन दो बीच में कॉल आई, बट आई कुड ट्राई टू पिक अप द एनर्जी ऑफ द पर्सन इन अ वे विच आई प्रॉब्ली हैड नॉट डन इन द रिसेंट टाइम्स. क्योंकि मुझे होता है जल्दी जल्दी करके फारग करो रीडिंग्स एंड, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज आई यूजली प्रेफर टू गिव मोर टाइम टू माई पर्सनलाइज रीड्स. उनको मुझे होता है कि मैं फुल अटेंशन के साथ करूँ, बट विद द ऑनलाइन वन आई प्रेफर टू, लाइक, यू नो, जल्दी जल्दी से करके, यू नो, आई नीड टू काइंड ऑफ लाइक डू अदर थिंग्स एज वेल. बट काफ़ी टाइम बाद आई ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस. सो या, दैट्स प्रीटी मच इट. अगर कोई सजेशन है टॉपिक के लिए तो दे सकते हो. एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, चलो फिर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आई विल टॉक अबाउट इट. बट या, टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.